सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश में मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन ये मॉनसून सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, जिसके कई कारण हैं। अगर विपक्ष की नज़र से देखें तो विपक्ष के जो सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन कारणों की वजह से मॉनसून सत्र में काफ़ी खलल हो रहा है। और सरकार के नज़रिए से देखें तो सरकार कहीं ना कहीं ये कहती हुई नज़र आ रही है कि ये जो विपक्षी हैं ये हो हल्ला कर रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, इस वजह से ये जो मॉनसून सत्र है ये सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। हालांकि ये सत्र जिस वजह से बुलाया गया था या इस सत्र के दौरान जिन चीज़ों पर चर्चा होनी थी वो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये हम सब रोज़ कहीं ना कहीं टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन अगर विपक्षी दलों के नज़रिए से देखें तो विपक्षी दल इस मॉनसून सत्र के ज़रिए कई सारे मुद्दों से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो जो सरकार से पूछने की लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, GST, अग्निवीर, इन सारे मुद्दों पर सवाल जो है वो पूछने का प्रयास जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। और सरकार ये कह रही है कि अभी जिन मुद्दों को लेकर के ये सत्र बुलाया गया है उन पर चर्चा कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि कल देखा भी गया कि किस तरह से कुछ सांसदों के ऊपर कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड भी किया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम भी उसमें शामिल है, उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने कागज़ के गोले फेंके, नारे लगाए, तख्तियां लेकर के वो सदन के अंदर आ जाते हैं, इस तरह के आरोप लगा करके उनको सस्पेंड किया गया। और संजय सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं अपने जो सवाल है वो पूछता रहूँगा। लेकिन अब एक नया मामला जो है वो आज एकाएक खड़ा हो गया। दरअसल जब कल कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे तो उस दौरान कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया। बयान जारी किया जब उनसे कुछ मीडिया के लोग मुखातिब हो रहे थे तो उस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया। और उसके बाद आज कार्रवाई के दौरान इस बयान को लेकर के काफी हुहल्ला, काफी बवाल मचा है। अधीर रंजन के इस बयान के बाद हालांकि उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने ये कहा कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये जानबूझकर नहीं किया गया है, मैं बंगाली हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन बोलते बोलते मेरे मुंह से ये निकल गया। और इसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन उसके बावजूद आज सत्र के दौरान सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को टारगेट करते हुए, कांग्रेस के पुरुष नेताओं को टारगेट करते हुए कई सारे जो बयान हैं वो दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा विपक्षी दल और सोनिया गांधी और उनके नेता आदिवासियों और दलितों के बीच से निकलकर जीत कर सामने आने वाली देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं के मुद्दे पर अगर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो इस तरह के बयान जारी करते हैं जो हमने और आपने सुना है। और इसको कहते कहते उन्होंने सोनिया गांधी से ये भी कहा कि आप इन मुद्दों पर माफ़ी मांगिए। हालांकि जब सोनिया गांधी से इस सवाल से जुड़ा हुआ जवाब मांगा गया तो सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन जी ने पहले ही माफ़ी मांग ली है। और इस पर जो स्मृति ईरानी या फिर जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि आज सत्र के बाद जब कांग्रेस के कई सारे नेता या फिर सोनिया गांधी कुछ महिला नेताओं से बात कर रही थी तो उस दौरान स्मृति ईरानी उनके पास पहुंचती हैं और कुछ बात को लेकर जब उनसे और उनके बीच चर्चा होती है तो सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा जाता है कि डोंट टॉक टू मी, मतलब दोनों के बीच में जो तीखी नोकझोंक है वो भी सत्र के दौरान और सत्र के बाद देखने को मिली है। तो ये मुद्दा है आज का, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर मॉनसून सत्र में इस तरह के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, सांसदों के ऊपर कार्रवाई हुई और उसके बाद अब ये बयान, और उस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से जो लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है कितनी सही है। बयान सुनिए और उसके बाद में इस डिबेट को शुरू करें। Herself came up to probably one of our very senior members, Rama Devi ji, to find out. And one of the member of our parliament, our people, members, approached there and she said, you don't talk to me. As though putting the member of parliament down in the house. So instead of remorse, from the highest leader of Congress party, we find greater and greater aggression. महिला विरोधी कांग्रेस
अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। मैम, विल यू आस्क अदीर राव टू अपोलोजाइज? मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार पर लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल चुके और इसके लिए बवाल करना, ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसाला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के, सिंपली द इश्यू इज ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। से जुड़े हुए थे जहां पर पहला बयान निर्मला सीतारमण का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोनिया गांधी ने हमारी सांसद को डोंट टॉक टू मी कह करके उनका अपमान किया है। दूसरा बयान स्मृति ईरानी का, जब वो सत्र के दौरान सदन के अंदर सोनिया गांधी से सवाल पूछ रही थी और ये कह रही थी कि आप अपने सांसद के लिए माफ़ी मांगिए, उनके बयान को लेकर के माफ़ी मांगिए। इसके बाद सोनिया गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अधीर रंजन ने पहले ही माफ़ी मांग ली है, और अधीर रंजन का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जानबूझकर नहीं कहा, ये सिर्फ एक ग्रामेटिकल मिस्टेक थी जो गलती से हो गई है और मैं उसके लिए लगातार माफ़ी मांग भी रहा हूँ, मैंने अध्यक्ष से भी समय मांगा है, मैं उनसे भी मिल करके माफ़ी मांगना चाहूँगा सत्र के दौरान सदन के अंदर। इस तरह के जो बयान है वो सामने आए हैं, लेकिन लगातार, क्योंकि पहले भी देखने को मिला कि इस पूरी सदन की कार्रवाई के दौरान जिस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के सांसद हैं, उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर के सरकार के सामने सवाल खड़े किए हैं, बेरोजगारी, GST, अग्निवीर, महंगाई, इन सारे मुद्दों को लेकर के, और एक और अहम मुद्दा इसमें जो गुजरात में कुछ लोगों ने जहरीली शराब से अपनी जान गंवा दी, उसको लेकर के भी जो सवाल पूछे गए थे विपक्ष के सांसदों की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता दल काफ़ी नाखुश दिखाता और उन सांसदों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। हालांकि संसद की कार्रवाई के नज़र से अगर देखा जाए तो इन सवालों को सुन करके इनका जवाब देना बनता है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड कर देना और ये कह देना कि उन्होंने जो व्यवहार दिखाया सदन के अंदर वो सही नहीं था, कागज़ के गोले फेंक देना या फिर तख्तियाँ लेकर के आना, हु हल्ला करना, नारेबाजी करना, ये सही नहीं है। तो जहां एक तरफ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है सत्र में, अगर हमें बुलाया गया है तो हमारे सवालों को भी सुनिए, जवाब भी दीजिए, और दूसरी तरफ सत्ता दल ये कह रहा है कि अगर सत्र चल रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से चलने दीजिए, जो चीज़ों पर डिस्कशन हो सकता है उन चीज़ों पर डिस्कशन किया जाए, अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल हु हल्ला, कागज़ फेंकना, गोला फेंकना, तख्तियाँ लेकर के आना, नारेबाजी करना, ये सही नहीं है। कुछ सांसदों के ऊपर कार्रवाई हुई और आज संसद की जो कार्रवाई थी वो आप सबने देखी। फिलहाल सभी मेहमान जो है इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी साई साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ओमकारनाथ सिंह साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सैयद मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं। शाही साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सदन हो, कहीं पर भी हो, जो मर्यादा है उसे लांघना नहीं चाहिए और अगर कोई इसे लांघ रहा है तो वो जायज़ नहीं है। क्या कहना है पूरी कार्रवाई आज की और जो बयान आया उस बयान के बाद जिस तरह से लगातार बयान पे बयान जारी हो रहे हैं? नितिन जी, देखिए किस तरीके से एक महामहिम के पद पर बैठी हुई एक आदिवासी दलित महिला जिसने अपना सर्वस्व खोकर पति को खोया, बेटों को खोया, एक साधारण परिवार से उठकर आई, आपका ऑडियो नहीं कांग्रेस को डिस्टर्ब कर रहा है मुझे लग रहा है जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। एक दलित आदिवासी महिला को जिसने अपना सर्वस्व खोया है, उनको एक ऊंचे पद पर देखकर कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा है। और अधीर रंजन चौधरी जी विपक्ष के नेता हैं, रमा देवी ने यही कहा, सोनिया जी आपने गलती यही किया है, सोनिया जी ने पूछा कि हमारी गलती क्या है, हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, रमा देवी जी ने कहा ये बात, आपकी गलती यही है कि आपने
अधीर रंजन चौधरी को विपक्ष के नेता बना दिया है, जो 370 के बाद इस मामले को यूएन ले जाना चाहते थे, जो बार बार ऐसी चीजें बोलते रहते हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह दिया। मुझे तो एक फिल्म का सीन याद आ गया कि कोई एक हीरोइन कोई कह रहा कि ये जो पत्नी मरी है वो किसी की नहीं है, पूरे मोहल्ले की पत्नी है, तो पलवार मारना शुरू कर देता है। तो ये अपमान करने का अपमानजनक चीज है। राष्ट्रपत्नी अगर हम किसी को कह दें कि सोनिया जी राष्ट्र माता है तो चलिए ठीक है, सम्मान हो गया। ये सोनिया जी राष्ट्रपत्नी है उनका अपमान हो, तो ये अपमान नहीं। तो वो अधीर रंजन तो ये भी कह रहे हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, मैं बंगाल का हूँ, मुझे नहीं पता होती है इतना लंबा उनका नहीं। कांग्रेस में शाही साहब कांग्रेस भी इसी बात को कह रही है कि हाँ गलती हो गई, उन्होंने माफी मांग ली है, उसको आप लोग क्यों तूल इतना दे रहे हैं। देखिए गलती हो गई, अब इतनी बड़ी गलती का आप करके, और आप नहीं जानते हैं कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी नहीं कहना चाहिए। कौन से स्कूल में पढ़े हैं अधीर रंजन चौधरी? पढ़े लिखे व्यक्ति और सदन में नेता है विपक्ष के, उनसे ये कैसे गलती हो सकती है? स्पेलिंग मिस्टेक होता है, राष्ट्रपत्नी और पति में बहुत फर्क होता है, लिंग बदल जाता है, जेंडर चेंज हो जाता है, माफी मांग लेना ही अंतिम पे वो नहीं होता है। और उसके बाद सोनिया जी आज धमका रही है सबकी सांसदों को, भाजपा के सांसद को कह रही है डोंट टॉक टू मी। क्या बात है भाई, आप राजनीति में आप बौखला गई है। ईडी और सीबीआई जो है जब आपके पीछे ईडी पड़ी, आपने चोरी किया है, ईडी आपके पीछे पड़ी है, पूछताछ कर रही, आप बौखला जाएंगी? व्यक्ति का विरोध नहीं होता राजनीति में, नीतियों का विरोध होता है। ये लोग कांग्रेस इस समय बौखला गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका तम्बू उखाड़ने का काम किया है और उनकी चोरी पकड़ने के लिए जांचें चल रही हैं। इसलिए गांधी परिवार देख रहा है कि ये हमारा शायद हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, और इस अस्तित्व खत्म होने की बौखलाहट जो है वो किसी तरीके से इस देश में सदन में समाज पर उतारते रहे। ठीक है सर, मैं आता हूँ। ओंकारनाथ सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से। ओंकारनाथ जी, ये शाही साहब कह रहे हैं कि एक बौखलाहट है जो कांग्रेस के नेताओं में दिखाई दे रही है, सोनिया गांधी में दिखाई दे रही है, और अधीर रंजन साहब तो हमेशा से इसी तरह से रहे, इसी तरह का बयान देते रहे, वो पढ़े लिखे, उनको मालूम है कि कहीं पर स्त्रीलिंग लग रहा है या कहां पर पुरुष लिंग लग रहा है या पुरलिंग लग रहा है, उनको पता है हर चीज के बारे में, उसके बावजूद इस तरह का बयान उन्होंने दे दिया। सुधीर भाई, बड़ी ही विडंबना है जी। और जो ये भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है जी। सोनिया गांधी जी में और स्मृति ईरानी जी में जमीन आसमान का अंतर है, वो उनकी बेटी के उम्र के बराबर है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है अधीर रंजन जी ने कि भाई मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूँ, तो बात को खत्म कर देना चाहिए। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा, कोई बंगाल का बंगाली जो है हिंदी बोलने से घबराएगा, तमिलनाडु का साउथ इंडियन हिंदी बोलने से घबराएगा, कहीं वो गलती हो जाए, लोग हमारे पर चढ़ाई ना कर दें। तो इस तरह से तो हिंदी को आप संकुचित कर रहे हैं, लोग चारों तरफ से घेर रहे हैं आप उनको। और आप बताइए, आप सदन के अंदर उनकी गलती निकाल रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने भाषण दिया है स्मृति ईरानी जी ने, कम से कम इनको ये देखना चाहिए था कि उन्होंने तो राष्ट्रपति कहा जी। और राष्ट्रपति एक शब्द निकल गया, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया राष्ट्रपति जी का। और इन्होंने सदन में राष्ट्रपति जी का नाम कितनी बेअदबी से लिया, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। अरे क्या है भाई, आप कौन सा भाषण दे रहे हो? क्या यहाँ कोई वोट लिया जा रहा है? सदन के अंदर आप बात कर रहे हो? आप इस तरह से बात अगर करोगे तो कैसे काम चलेगा? या फिर एक बार आपने सोनिया जी कहा, एक बार सोनिया जी दोबारा कहा, फिर सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे, क्या है ये? ये आप केंद्रीय मंत्री शाही साहब ये कह रहे हैं कि आपको आप धमका रहे थे थोड़ा सा शाही साहब, ये थोड़ा सा ये भाई साहब तो पूरी बात नहीं जान रहे हैं ना दोनों। उन्होंने ये कहा भाई जब आप इस तरह से बात करते हो मुझसे मत बात कीजिए आप। तो उन्होंने क्या बुरा किया? अगर कोई आदमी किसी को बदतमीजी कर रहा है, बेअदबी कर रहा है, तो यही ना कहा आप उससे बात मत कीजिए, तो वो बुरा लग गया आपको, वो उनकी बात बुरी लग गई आपको। लेकिन आप जो कह रही हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहिए। और जहां तक माफी मांगने की बात है तो मैं याद दिला दूं, इसी सदन में, इसी लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर ने उनको नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था, और उसके बाद जो क्या कहते हैं, जब हंगामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने तो माफी नहीं मांगी, प्रधानमंत्री जी ने इतने कहा मैं उनको माफ नहीं करूंगा, और इन्होंने खेद व्यक्त कर दिया और काम खत्म हो गया। और जब वो माफी मांग रहे हैं तो आप नहीं मान रहे हो,
तो महात्मा जी, महात्मा गांधी की आलोचना हो सकती है और गलती से अगर कोई शब्द में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसकी माफी नहीं है आपके यहाँ, ये क्या है भाई? ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक, शाही साहब क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए सिंह साहब, जो बात कह रहे हैं, जमीन आसमान का वाकई फर्क है। सोनिया जी एक सांसद हैं और स्मृति ईरानी जी एक मंत्री हैं, और मंत्री सांसद होने के नाते ही मंत्री हैं। तो अगर उन्होंने कह दिया यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है सिंह साहब हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे हमारे बड़े हैं, मैं उनको बड़ा भाई का सम्मान दे सकता हूँ, वो अलग चीज है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सिंह साहब, सिंह जी मैं कह सकता हूँ, सिंह मैं कह सकता हूँ कि अभी कांग्रेस के, तो ये चीजें अगर बराबरी की होती हैं, हम डायलॉग कर रहे हैं तो बराबरी के डायलॉग हैं, दोनों सांसद हैं। अगर उन्होंने कह दिया सोनिया गांधी माफी मांगे तो सोनिया गांधी का अपमान तो नहीं किया उन्होंने, सोनिया गांधी ये कह रहे हैं। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी का कैसे तालमेल एक साथ हो सकता है, क्योंकि वो उनकी बेटी की जैसी नहीं हो सकता है, वो केंद्रीय मंत्री हैं, ये सांसद हैं, ये कभी मंत्री नहीं रही। अरे आप केंद्रीय मंत्री पद पे क्यों जा रहे हैं, आप उम्र पे नहीं जा रहे शाही साहब? देखिए उम्र में सम्मान सबसे, मैं कहा ना कि व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, नीति का विरोध होता है। क्या कहें आप? और यहाँ पर दोनों लोग एमपी हैं, एक तो सोनिया गांधी उन्होंने कह दिया तो अपमान हो गया। मैं एक एक लाइन में अपनी बात खत्म करता हूँ। हाँ। और सिंह साहब इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। अधीर रंजन चौधरी जी, जो आपने कहा कि कोई बंगाली नहीं बोलेगा, कोई मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, मैं एक अधीर रंजन चौधरी जी बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, मैं उनको कहूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, कि मैं उनको कहूं कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, अगर मैं कह दूं तो फिर क्या होगा, इस शब्द का क्या फर्क हो जाएगा? मुझे पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट में क्या फर्क है, और उसके बाद मैं माफी मांग लूं, मैंने क्या कह दिया एक ही शब्द में, तो एक ही शब्द अक्षर में दो कर दिया गलत। मैं ये कह रहा हूँ, ये जानबूझकर की गई बदमाशी है शाही साहब। मैं ये कह रहा हूँ और ओमकार जी भी इस बात को कह रहे हैं और कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात को कहा कि जब माफी मांग ली तो उसके बाद फिर इतना बवाल क्यों? मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने उनको इंपोर्टेंट कह दिया, मैं माफी मांगता हूँ भाई, अधीर रंजन चौधरी जी को मैंने नहीं कहा माफी मांग लिया, ये कौन सी बात है? जानबूझकर की गई गलती को माफी की बात करते हैं? अधीर रंजन चौधरी जी एक एक घंटे जो भाषण देते हैं हिंदी में, अंग्रेजी नहीं बोलते हो, लेकिन वहां पर गलती हो रही है ओमकार जी, और यहाँ पर गलती हो रही है। ये बताइए फिर प्रज्ञा ठाकुर जी वाले मामले में क्यों नहीं आपने इस बात को किया, प्रज्ञा ठाकुर को भी निकालिए। अगर आप समझते हैं कि माफी नहीं इस्तीफा देना है तो पहले उनसे इस्तीफा लीजिए। क्या महात्मा गांधी से बड़ा कोई देश में है? इस्तीफा की तो कोई बात ही नहीं है। आप कर रहे हैं भाई, आप अपनी वाली बात को कहेंगे, दूसरे वाली बात को नहीं कहेंगे, ये मत कहिए। अपमान किया उन्होंने हुआ है और इसके निंदा की जानी चाहिए राष्ट्रपति जी का। और जब कोई आदमी माफी मांग रहा है, आपसे फिर आगाह कर रहा हूँ कि हिंदी शब्द के ऊपर मत जाइए, वरना हिंदी बोलना लोग बंद कर देंगे। और आप हम हिंदी बढ़ाना चाह रहे हैं, अंग्रेजी को फटाना चाह रहे हैं, कहा कि आप ध्यान, आप बताइए ये जो बिगाड़ने का सिस्टम है किसने शुरू किया? जो बढ़िया हिंदी बोलने वाले अध्यक्षा शब्द किसने शुरू किया? पार्टी का जो अध्यक्ष महिला होती है उसको अध्यक्षा किसने बोलना शुरू किया? कहां से अध्यक्षा हो गई? वो अध्यक्ष है ना, वो कई अध्यक्षा कहा जाता था। सिंह साहब ये सारी चीजों को हमने बिगाड़ा है। लोकसभा धीरे धीरे आदमी जानता ही नहीं हिंदी का मतलब, नहीं कह सकते वो क्या बोलेगा, वो जो बोल रहा है उसी का स्वागत कीजिए। हल कर दिया पिक्चर में, जैसे बंगाली में बोला जाता था तो बंगाली वाले जो हिंदी बोलते थे वो क्या की कौर बे कहां जा रहा बाबू, तो हंसी उसकी होती थी। साउथ इंडियन बोलता था उसके जो उसकी नकल लोग करते थे, हंगामा करके वो बोलते थे। अरे इस तरह की बातें से हमको हटना चाहिए। देश को अगर एक करना है, आप राष्ट्रीयता की बात करते हो और अगर आप सबको बता हिंदी बोलना सिखा रहे हो, मतलब आप अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस नहीं समझाएगी और सत्ता को समझाएगी, बचना चाहिए। और सोनिया जी कहेंगी डोंट टॉक टू मी, माफी मांग रहे हैं सांसद और केंद्रीय मंत्री को इस तरीके से बात करेंगी। ठीक है, ठीक है, ये कहां का न्याय है भाई? ठीक है, मैं आऊंगा। आप है क्या, आप सिर्फ एक सांसद हैं? ठीक है, मैं आता हूँ। सैयद तकी अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। तकी भाई, आप ये सदन की जो कार्रवाई चल रही है किस नजर से देख रहे हैं? ये कार्रवाई में जो इतना कुछ हो रहा है उसको किस नजर से देख रहे हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, अश्विनी शाही साहब को, अधीर रंजन साहब का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कंट्रोवर्सी छेड़ के भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े प्रेशर से दबा दिया, बचा लिया। क्योंकि जिस तरह बहस होनी थी सांसद के अंदर की गुजरात में नकली शराब पीने से 55 लोगों की मौत हो गई, वो गुजरात जो गांधी का गुजरात है, वो गुजरात जहाँ शराब बिकना बैन है, वहाँ कैसे शराब बिकी और कैसे 55 लोगों की मृत्यु हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत
बड़े दबाव के अंदर आ गई थी। और अभी आपने देखा कि गोवा में स्मृति ईरानी जी के रेस्टोरेंट की बात भी सामने आई, जहां उनकी बेटी जो है मेन्यू के अंदर जो है वो बीफ बेस उसमें लिखा हुआ है वो फंस गई, उसके अंदर शराब का लाइसेंस भी उनका गलत था। तो ये बहुत सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद महंगाई को लेकर बहुत प्रेशर में, भारतीय जनता पार्टी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही, जीडीपी सही नहीं बढ़ पा रही, लोग परेशान है, बेरोजगारी नहीं है। इन सारे मुद्दों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को बहुत तूल दे रही है, बहुत बढ़ा चढ़ा कह रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब ये मुद्दा इतना नहीं था जिसको इतना तूल दिया। देखिए गलती हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कई बार गलती से मुंह से निकल जाता है, उन्होंने माफी मांगी, बात वही खत्म हो जाती है। लेकिन उसको इतना तूल देना है कि भारतीय जनता पार्टी जो घिराव हो रहा है उसका, जो परेशान हो रही है उससे, वो उसको बचने का मौका मिल रहा है। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि 27 एमपी को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया, 70-72 साल भारत का अमृतकाल बना रहे हैं और लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, उनको सवाल पूछने की आजादी नहीं है, आपने एमपी को सस्पेंड कर दिया। एमपी जो है, एमपी को किसी चुना, राज्यसभा से जिनके एमपी आते हैं, राज्यों से जिनके आते हैं, राज्यों की बातें रखने के लिए आते हैं। एक राज्य गुजरात भी है जहां से मोदी जी आए, जहां का मॉडल मोदी जी का लेके आपने देश में सत्ता में आया, वहां जहां शराब बैन है कितने सालों से, लगातार सालों से, वहां शराब पीने से 55 लोग मर गए जहरीली शराब पीने से। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर तो सीएम को रिजाइन कर देना चाहिए उस स्टेट से अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है उसका, उससे बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दो चाहे मिनट, दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ। मैं शाहिद साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, इनकी मेमोरी बहुत तेज होगी। मोदी जी के 10 ऐसे बयान है मेरे पास जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। एक बयान उन्होंने कहा था रेणुका चौधरी को, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सुपनखा से कैसे कर दिया था, सुपनखा कह दिया था उनको, याद है आपको शाह जी? उन्होंने 50 करोड़ गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल किया शब्द प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा मनमोहन सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कि रेन कोट पहन के नहाते एक दाग नहीं लगता। 2G घोटाले के लिए, 2G घोटाले में कोई किसी को सजा नहीं हुई, वो घोटाला नहीं था, इतनी बड़ी बात कही प्रधानमंत्री जी ने। जब यूपी में इलेक्शन में आते हैं, शमशान की बात करते, कब्रिस्तान की बात करते, कहते हैं ईद में लाइट आती, दिवाली में लाइट नहीं आती, इस तरह के बेतुके के बयान देते हैं। स्किल इंडिया का स्पेल इंडिया तो नहीं आती तो कहा उन्होंने, दूसरी बात दिवाली में नहीं आती, में आती तो कहा उन्होंने, से क्या गलत कहा भाई, कौन सा सरना बयान है? विदेश में जाके हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं पता नहीं क्या पाप किया था कि भारत में जन्म हुआ। ये देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए कह रहा है कि पता नहीं क्या पाप किया था कि भारत में जन्म हुआ। तो प्रधानमंत्री जी अपनी जबान संभाल नहीं पाते, वो बेतुके बयान लगाता है। जवाब जवाब ले शाही साहब, और दूसरों के पीछे जवाब दीजिए। देखिए कि शराब कैसे के अंदर हो गया था, सच्चाई है, सच्चाई है। ईद में लाइट आती थी, मुहर्रम में लाइट आती थी, दिवाली और होली में लाइट नहीं आती थी, पानी नहीं मिलता था, तो क्या गलत कहा गया? और ये नहीं, राष्ट्रपति की, मैं एक मिनट, मैं आपकी देखिए इसको अन्यथा, मैं किसी की भी पत्नी को राष्ट्रपति कह दूं तो कोई मंजूर करेगा? ये बताइए, मैं किसी की पत्नी को कहूं? अरे पचपन लोग मर गए, ये मुद्दा अलग है और ये मुद्दा अलग है, दोनों को क्लब मत करिए आप लोग। वो मर गए, वो जान का विषय है, सारा जहरीली शराब हजी, वो मर गए, वो अलग मुद्दा है। दोनों को मुद्दे को क्लब मत करिए, क्लब करने से काम नहीं चलता है। अरे भाई पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आप लोग बहस करिए, आपके पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन उसके बाद संजय सिंह की गुंडई हो रही है, संजय सिंह की गुंडई हो रही है, और आप कितना बचाएंगे? संजय सिंह मार्शल का गला दबाते हैं आप लोगों ने, तो ऐसे गुंडे पाल रखे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी को जेल जाना है, मनीष सिसोदिया को जेल जाना है, आपके एक दो मंत्री जेल में है, इस वजह से आप लोग भी बौखलाए हुए हैं। अरे जिस तरीके से केजरीवाल जी की जो राजनीति है, बेईमान भ्रष्टाचार सरकार के मुखिया है वो, और मनीष सिसोदिया जो 144 करोड़ जो घोटाला का वापस किया है, उसमें वो जेल जाने वाले हैं, इसलिए संजय सिंह गला पकड़ रहे हैं, मार्शल को मार रहे हैं, यही कर रहे हैं। संजय सिंह जी तो मुझे लगता है कि पैदाइशी गुंडा है, वो राज्यसभा में भी गुंडा ही दिखा रहे हैं। मार्शल का जो गला दबाएगा वो गुंडागर्दी कर रहा है, राज्यसभा में गुंडागर्दी कर रहे हैं वो, राज्यसभा में पार्लियामेंट में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको निकाल के बाहर किया गया पार्लियामेंट से, इसीलिए क्योंकि वो गुंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ठीक है, वो नहीं, आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं,
वो चाहे जो भी हो, ठीक है वो आदमी गुंडा है। मैं आऊंगा ताकि भाई आऊंगा। सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी, आप इस पूरे सिनेरियो को किस नजर से देख रहे हैं, संसद की कार्रवाई को किस नजर से देख रहे हैं, और आज जो कुछ भी हुआ क्या ये सही था होना? सबसे पहले तो जो आज कार्रवाई उसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महामहिम एक संवैधानिक पद है, वो हमारे देश का प्रथम नागरिक है, उसके प्रति इस प्रकार का जो बयान दिया गया है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया गया है, और ये प्रवक्ता कांग्रेस जी बोल रहे थे कि ये मिस्टेक हो गई। मिस्टेक एक बार होती है, दो बार होती है। उनके पूरे बयान को अगर देखा जाए तो अधीर रंजन चौधरी ने उस बार तीन बार वाला इसको शायद बोला था उन्होंने कि वो उनकी राष्ट्रपत्नी है, राष्ट्रपत्नी है, राष्ट्रपत्नी है। गलती एक बार हुई हो, दो बार हुई हो, तीसरी बार भी अगर वो एक महामहिम देश के प्रथम नागरिक को इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग करके बोल रहे हैं तो क्या गलत नहीं है? आप गलती करो और गलती करने के बाद आप बोलो कि हमने माफी मांग ली, तो क्या वही चीजें सारी खत्म हो जाती है? आप देश के राष्ट्रपति के प्रति आपके बारे में जब सम्मान नहीं है तो आप किस प्रकार की अपेक्षा करते हैं कि आपके जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी के प्रति आपको सम्मान मिलेगा? अधीर रंजन चौधरी जी संसद के अंदर एक गरिमापूर्ण पद के ऊपर बैठे हुए हैं, सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल के नेता भी हैं वो, उसके बावजूद अगर वो इस तरह से बातें अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस इस तरीके से अगर बयान दे के बोले कि नहीं उन्होंने माफी मांग ली, तो माफी मांगने से बच नहीं जाएंगे वो लोग, उनको अपनी गलती को एहसास करना चाहिए कि पूरी तरीके से गलत हुआ है यहाँ पे, इस तरह की जो चीजें चल रही बिल्कुल गलत है। दूसरा नितिन जी, जो अभी जो आज के परिदृश्य की और बातें हो रही थी, संसद भवन की कार्रवाई की बातें हो रही थी जिसके अंदर सांसद को बर्खास्त कर दिया गया, तो हम और आप सभी जानते हैं कि संसद की जो कार्रवाई होती है उसके अंदर पर डे के काफी अगर उसको खर्च को कैलकुलेट किया जाए तो लाखों रुपए खर्च आता है संसद की कार्रवाई का, और वो जो संसद की कार्रवाई का जो खर्च होता है वो हमारे सभी देशवासियों के कंधे के ऊपर आता है। आप गोले चलाओगे कागज के, तथ्यां लेके चले जाओगे, ताकि भाई अभी बोल रहे थे कि नहीं संसद के अंदर बहस नहीं होती, बहस करना कहां चाहते हैं आप लोग? बहस करिए आप लोग, तख्ती लेके चले जाओगे आप, धरना प्रदर्शन करोगे, गोले फेंकोगे, इस तरह बहस नहीं होती। अपनी बातों को सुनिए तो सही, सुन लीजिए भाई। संसद के अंदर देश की जनता ने आपको संसद चुनकर भेजा, अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है, तो वहां पे बहस करिए, क्योंकि टैक्स पेयर लोगों के पैसे से पूरा संसद चलता है। वहां जाके गोले चलाना, तख्तियां लहराना, वहां पे हल्ला मचाना संसद के अंदर वो नहीं होगा। ओम बिरला जी ने बार बार कहा है कि आप बहस करिए, बहस करने के लिए ओम बिरला जी तैयार भी रहते हैं और करवाते हैं बहस, लेकिन तख्तियां लहराना, कार्रवाई को बाधित करना, चिल्लाना, और उसके बाद आप बोलोगे कि हमें सस्पेंड किया जा रहा, तो किया क्या जाए? सस्पेंड तो किया ही जाएगा ना। अभी इन्होंने जिक्र किया तकी भाई साहब ने कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जिक्र किया, बहुत अच्छा जिक्र किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब कानून मंत्री थे और वो भी संसद के अंदर गए, लेकिन उन्होंने अपनी बातों को संसदीय तरीके से रखा, कानून के तरीके से रखा, कभी भी धरना प्रदर्शन या हंगामे के अंदर कभी भी उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, आप उनकी मिसाल दे रहे हैं, जब उनकी मिसाल दे रहे हैं उनके पच्चीनों पर चलिए, क्यों हंगामा कर रहे हैं आप, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अमर्यादित भाषाओं का जो प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं हर लोग करते हैं, तो किसी और को बोलने से पहले हम स्वयं भी देखें हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है कि आप विपक्षी हैं तो भाजपा को टारगेट कर दो, ये कर दिया भाजपा ने, वो कर दिया, ये सब चीजों को दबाने की अपेक्षा आप अपनी गलतियों को भी दीजिए, ये नहीं कि सारी चीजों का ठीकरा अपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फेंक दिया, ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है ओमकार जी, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होता या गलती होती तो एक बार बोला जाता, दो तीन बार बोला गया है, आप दो तीन बार दिखा दीजिए, हम आज ही से राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखिए आप चल रहा है, देख लीजिए ओमकार जी, देखिए हम आज ही ले लेंगे, अभी आज ही फिर आप, हमने देखा बहुत कायदे से, देख लीजिएगा उसको, फिर आपने उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ एक बार कहा राष्ट्रपति ने, और वो भी उन्होंने कहा जब उसने हमें कहा तो मैंने कहा भाई गलती हो गई है, उससे इसको हटा दीजिए मत दिखाइए, और उन्होंने जो राष्ट्रपति दोबारा कहा है वो कहा है कि मेरे शब्द का इन्होंने मजाक उड़ाया है, सवाल इस बार उन्होंने खुद कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती है, और हिंदी जिस तरह से बोलते हैं आप खुद समझ सकते हैं कि उनको हिंदी नहीं आती है। मैं फिर आपको समझा रहा हूं कि आप उनको इतना दोषी मत समझिए जो कि हिंदी लोग बोलना छोड़ दें, और मैं आपसे कह रहा हूं ये बड़ी भारी घटना घटेगी जो आप ये समझ रहे हो, बंगाल में लोग बंगाली बोलते हैं, अगर बंगला ना आए तो आप वहाँ परमानेंट नहीं रह सकते हैं, महाराष्ट्र में अगर मराठी आपको ना आए परमानेंट आप वहाँ नहीं रह सकते हैं, साउथ इंडिया में अगर आपको साउथ इंडिया में बिल्कुल गलत है, प्रवक्ता नहीं है आप, विशेषज्ञ हैं तो आप विशेषज्ञ की तरह से बात कीजिए, गलत क्यों बोल रहे हैं आप, गलत क्यों बोल रहे हैं, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर मराठी आगे तो बोलेगा तभी रह सकता है, हमारे देश का संविधान है, हल्ला मत कीजिए, किसने बोला कि मराठी बोलने वाला ही रहेगा वहाँ पे,
किसने बोला? मैं तो कह तो रहा हूँ जो बोल रहे होता है, मैं वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे जिस तरह से वहाँ मराठी है तो बोलने में दिक्कत होती है, उसको वहाँ काम करने में दिक्कत होती है, समझ गया आप भाई साहब? आप भ्रम फैला रहे हो, मैं भी बंबई में रहा हूँ, सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। मैं भी नहीं भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि बंगाल के अंदर आदमी रहेगा, बंगाली बोले तभी रह सकता है, एकदम गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप अपने अपने सांसद को अधीरंज चौधरी को बचाने के लिए इतना बोल रहे हैं कि भैया मराठी बोलेगा तो महाराष्ट्र में रहेगा, चिल्लाने बंगाली बोलेगा तो बंगाल में रहेगा, है नहीं कुछ आपके पास बोलने के लिए। ओमकार जी पूरा कीजिए, ओमकार नहीं नहीं ये बहुत बेकार की बात कर रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे बोल रहे हैं, पूरा कीजिए सर, क्या तरीका बात करने का आपका? तरीका अच्छा है, आप गुमराह नहीं कर सकते ना, जो कहना हो आपको जो कहना चाहिए, पर देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है? देश की जनता, आप कोई देश के कर्णधार नहीं है, आप भी देश के कर्णधार नहीं है, आप भी सर्टिफाई नहीं करेंगे कि जिसको जो भाषा आएगी वो उस प्रांत के अंदर रह सकता है, आपको अकल नहीं है बात की जाती है, आपको अकल है बात करने की? आप बहुत बड़े बेवकूफ है ओमकारनाथ जी, ये आपकी भाषा बता रही है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, ये कांग्रेस का चल चरित्र है, कांग्रेस के पास जब शब्दों का चयन नहीं रहेगा ऐसे ही अशासनीय भाषा का, ऐसे ही अमर्यादित भाषा का चयन करेंगे, यही कांग्रेस की, यही कांग्रेस का रवैया है, देखिए अधीर रंजन चौधरी जी का इतिहास रहा है, और मैं निवेदन करूंगा अपने कांग्रेसी प्रवक्ता सिंह साहब से, इसको ध्यान से सुनिए। अधीर रंजन चौधरी जी ने एक बार और सदन में ही बयान दिया था, वहां भी गलती हुई थी उनसे, क्या उन्होंने कहा कि 13,000 के दो प्लेन खरीदे हैं माननीय मोदी जी ने, उसी में नहाते हुए जाते हैं, स्विमिंग पूल बनवा लिया उन्होंने, उसके बाद फिर उन्होंने माफी भी मांगी, वहां भी उनका का स्लिप ऑफ टंग था, या एक ट्वीट किया था उन्होंने, वहां स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता है। जो राजीव गांधी जी के बयानों का कि जब सिख नरसंहार के दंगों की बात उन्होंने किया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और कुछ होता है, सिख नरसंहार की बात की थी, ट्वीट डिलीट कर दिया था। तो ये सब चीजें कई बार वो कर चुके हैं, ये बार बार ये जानबूझकर की गई गलती है। हाँ आप कांग्रेस के हैं तो उनका बचाव करना आप लाजिमी है, लेकिन वो ये गलती जानबूझकर किए हैं, और सच्चाई है सिंह साहब, इतना गंभीरता से आप भी एक बार सुनिएगा, उसमें एक से अधिक बार उन्होंने इस चीज को बोला है, एक से अधिक बार बोला है, ये सत्य है। हो सकता है उनका उस फ्लो में निकल गया हो, या वो जानबूझकर बोलना चाहते हो, जो भी रहा हो, कारण मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये कई बार उन्होंने किया, ट्वीट को डिलीट भी किया था उन्होंने। तो ये माननीय मोदी जी का कई बार वो सदन में जो है वो कर चुके हैं, लेकिन अब उसके इतर दूसरी चीज आती है। आपने शुरुआत में कहा कि सोनिया गांधी जी उनकी तुलना नहीं हो सकती, मैंने ये भी कहा कि दोनों लोग माननीय सांसद हैं, इस तरीके से सदन में बात करने का क्या तरीका है? आप अगर बड़े हैं हमसे तो मुझे गाली देंगे या डांट देंगे सबके सामने, अकेले में आप हमको मारने का हक रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर आप मुझे डांटने का हक नहीं रखते हैं, चाहे अपना बेटा हो, अपना भाई हो, किसी के साथ, वो तो माननीय मंत्री हैं, और वो किस तरीके से कैसे कर सकते, किस कैपेसिटी में, हैसियत कहूंगा तो गलत हो जाएगा, किस कैपेसिटी में उन्होंने कहा यू डोंट टॉक टू मी, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, माननीय केंद्रीय मंत्री है, वो भी कैबिनेट मंत्री है, वो उनका खीज है कि वो सोनिया जी के परिवार पर आक्रमण करती है, राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को उन्होंने हराया है, वार्तालाप होता है, जवाब ले ले शाही साहब, और जब बात वाद विवाद होता है तो उसमें बहुत सी बातें हो जाती हैं। आपको याद दिला दूं, बैकवर्ड पर बिल पास हो रहा था और जिसमें महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही थी, सोनिया गांधी जी के हाथ से एक सांसद ने बिल छीन लिया और फाड़ दिया, जबकि क्या कहते हैं बिल कांग्रेस पास कराना चाह रही थी और बिल नहीं पास हो पाया। तो कई बार
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विधवा कांग्रेस कहा, फिर बुढ़िया कांग्रेस कहा, फिर गुड़िया कांग्रेस कहा। हमने विरोध किया, लेकिन हमने ये नहीं, कोई इशू नहीं बना लिया कि क्या कहते हैं वो, कैसे कर दिया, क्या कर दिया, माफी मांगिए, फलाना करिए, धमाका करिए। तो ये सारी चीजें वाद विवाद में होती हैं। हम जो कह रहे हैं किस कैपेसिटी में कहा, उन्होंने वो उस समय उनसे बात नहीं कर रही थी, और जब उनसे बात नहीं कर रही थी, बात वो रमा देवी जी से कर रही थी, बीच में इनको आके बोलने की क्या जरूरत थी। और जो सरकास्टिक रिमार्क किया उन्होंने, इनकी बेइज्जती करनी शुरू की बातचीत में, तब उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी, तो क्या बुरा कहा उन्होंने? आप बताइए, आदमी बड़ा है, माफी से जवाब नहीं दे पा रहा भाई। उन्होंने सीतारमण की तो नहीं, निर्मला सीतारमण कहा था, समझ रहे हैं, ऊपर भी माफी मांगा था उन्होंने। कितनी उनकी उम्र कितनी है, लेकिन अब उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने हमको कहना शुरू कर दिया, हमने भी गुस्सा आया, हमने भी कहा उनको। तो ये बातें वाद विवाद में होती है, लेकिन अगर आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा और इसको बढ़ा के इसी पर भिड़ जाइएगा तो इसका अंत नहीं है। जब उन्होंने एक बार आपके हिसाब से मान लिया हमने, कि उन्होंने जानबूझकर कहा, जब उन्होंने माफी मांग लिया, कहा नहीं हमसे गलती हो गई है, तो भाई बात तो मानिए उनकी, प्रज्ञा माफी तो मैंने गिनवा दिया ना सिंह साहब, एक बार तो उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को निर्मला सीतारमण भी कह दिया, उसके लिए भी माफी मांगा था उन्होंने। मुझे ये कहने का, शाही साहब क्या, कितनी बार माफी मांगेंगे? और जहां तक सवाल ये है कि भाई महंगाई पे बहस कराइए, आप क्या कहते हैं बेरोजगारी बहस कर रहे, क्यों नहीं करा रहे हैं जब मांग रहा है विपक्ष मांग को? और जहां तक गोले फेंकने की बात कही, हंगामा करने की बात कही, आज से ये नहीं हो रहा है। जब से लोकसभा और विधानसभा का निर्माण हुआ है, तब से सदन में ये होता है, और वो इसलिए होता है कि जो सदन में सदस्य इसको बवाल करते हैं वो भी चुन के आते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जनता के प्रति क्या जवाब देंगे। अगर ये गलत काम हो रहा है तो हमें इसको रोकना चाहिए, और स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि जब अति हो रही होती है तो वो सस्पेंड भी करता है। उन्होंने माफी कितनी बार मैंने गिनवाया प्रधानमंत्री जी के मुद्दे पर, निर्मला सीतारमण जी को, सिंह साहब प्रधानमंत्री जी के मुद्दे पर उन्होंने माफी मांग लिया, चलिए ठीक है, एक बार आज माफी मांग लिया उन्होंने, निर्मला सीतारमण जी को निर्मला सीतारमण कहा, फिर माफी मांगा, और जिस दिन 370 हटा था उस दिन उन्होंने कहा कि 1948 से यूएन मामला देखता आ रहा है, ये हमारा आंतरिक मामला कैसे हो सकता है? अब ये जानबूझकर की गई गलती है फिर माफी मांगना है, या ये जो है अपने आप होता है? तो अगर अपने आप हो रहा है तो उनको आप लोग नेता सदन क्यों बनाए हुए हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर वो जानबूझकर कर रहे हैं तो उनको अपने पार्टी में क्यों रखे हुए, उनको इस्तीफा क्यों नहीं आप लोग लेते हैं? तो ये एक चीज है, ये जानबूझकर की गई साजिश है, इसके लिए आपको कार्यवाही उनके ऊपर करनी चाहिए। ठीक है ओमकार जी, जवाब दीजिए। जानबूझ के नहीं किया है, जानबूझ के देखिए प्रज्ञा ठाकुर ने किया था, जो उन्होंने उनको देशभक्त बनाया। ये अरे मैंने तो चार गिनवाया सिंह साहब आप तो मतलब एक बड़े ही भद्र जो है प्रवक्ता हैं, और आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि इस तरीके का जवाब आप देंगे। ठीक है सुभाष जी, ये चीजें सुन रहे हैं लेकिन इसके अंदर ऐसी चीजें जो हो रही है ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो रही है। जैसा कि शाही साहब ने अभी बोल भी दिया कि उन्होंने जो शब्द बोले थे राष्ट्रपति के, एक बार नहीं वरन दो या तीन बार बोले थे, और उसके बावजूद भी अगर ओंकारनाथ जी इस चीज को स्वीकार नहीं कर, जैसा कि अभी आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बोला भी है कि नहीं उन्होंने एक बार से अगर ज्यादा बोला रहेगा तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूंगा, तो ओंकार जी आप संन्यास मत लीजिए, लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद में उसको देखिएगा आप, क्योंकि आप संन्यास ले लेंगे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को हमको मिलेगा नहीं ना, तो आप संन्यास मत लीजिए, उस डिबेट खत्म होने के बाद उसको देखिए। रही बात उसके अंदर जो चीजों को हो रही है कि बार बार डिफेंस करने वाली बात, और ये हिंदी भाषी वाली बात थी जो मेरी बीच में उसमें रुक गई थी, मैं उस पर बार बार आऊंगा और फिर बोलूंगा, मैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये संकुचित नहीं हो सकती। जिस प्रकार स्टार्ट में इन्होंने बोला था ओंकारनाथ जी ने कि हिंदी संकुचित होती जा रही, हिंदी संकुचित नहीं हो रही, हिंदी और व्यापक हो रही है, हिंदी को बढ़ाया जा रहा, हिंदी बढ़ रही है, तो उसको संकुचित न बोली। दूसरा आपने जो बोला था मैं उसके फिर आऊंगा, आपने बोला था कि महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी भाषा सीखना बहुत जरूरी है वरना रहने नहीं देते, इससे भी मैं आपको डिनाय करूंगा, ये पूरी तरह से गलत है। बंगाल में रहने के लिए बंगाली भाषा अगर आएगी तभी आप बंगाल के अंदर रह सकते हो, ये भी गलत है। भारत देश का संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, वो कहीं पे भी रह सकता है भारत देश के किसी भी कोने के अंदर, उसको ये नहीं बोला गया कि नहीं आप महाराष्ट्र में रहोगे तो मराठी सीख लो, बंगाल में रहो तो बंगाली सीख लो, उत्तर प्रदेश में रहो तो भोजपुरी सीख लो, ये बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार का जो आप जो बात बोल रहे हैं ये मुद्दे से भटकाते हुए प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारत देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि भाषा सीखेंगे तभी दूसरे प्रांत के अंदर रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की जो बातें फैला रहे हैं ये बिल्कुल न फैलाएं ओंकारनाथ जी। ठीक है ओंकार जी, जवाब दीजिए क्या कह रहे हैं सुभाष जी।
आप मेरी बात को अन्यथा ले रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आप वहां परमानेंट रह रहे हैं तो आपको वो भाषा इसलिए सीखनी पड़ती है कि आप उसमें फैमिलियर नहीं हो पाते हैं, और हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हमारे घर के लोग रहते हैं, वो बाकायदे हर जगह बोलते हैं। मेरी बहन रहती है बंगाल में, वो बंगाली बोलती है, क्योंकि अगर नहीं बोलेगी तो वहाँ के लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको हिंदी आती है तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन बात पहले बोली थी। सीखना पड़ता है। तो उसका होता क्या है, मैं जो बता रहा हूँ उसका होता क्या है कि अगर आप हिंदी को बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों को और बोलने दीजिए उसको, और जब वो बोलेंगे तभी हिंदी बढ़ेगी, नहीं तो हिंदी नहीं बढ़ पाएगी। हिंदी को अब संकुचित कोई नहीं कह रहा है, हम तो हिंदी ही बोलते हैं, हम तो और कोई भाषा बोलते नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो वहां पे आपको हिंदी घटती हुई नजर आती है, क्योंकि और भी बिरादरी के लोग रहते हैं, और भी क्षेत्र के लोग रहते हैं, वो उस तरह की भाषा बोलते हैं। पंजाब में आप जाए तो जो ज्यादातर पंजाबी लोग बोलते मिलेंगे, ईसाई तो थोड़ी हिंदी नहीं जानते हैं। साउथ में जाइएगा, वहां साउथ की भाषा बोलते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर आपको उनको गलतियों को नजरअंदाज करना है तभी आपकी भाषा जो आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। तो ओंकारनाथ जी, यानी आप ये चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत देश के किसी भी प्रांत में रहने के लिए भाषा कंपलसरी नहीं है, भाषा एक कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने का जरिया मात्र है, रहने के लिए जरूरी नहीं है। पहली बात ये तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। वो तो एक्सेप्ट क्या करें, जो तो वो कटु सत्य है, उसमें कौन सी बात है। दूसरी बात, आपने जो गलती की बात की, गलती चलिए मान लीजिए एक आम आदमी अगर गलती करता है उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जब एक संसदीय पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, नेता सदन, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो 40 से 50 साल देश की सत्ता पे रही है, अधीर रंजन चौधरी जी का ही दूसरा कार्यकाल है, उसके बावजूद अगर उनसे गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं एक बात बताऊं आपको, सुन लीजिए, मैं एक बात बताऊं आपको। बताइए, आप सुन लीजिए जी, बोलिए। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। वीर बहादुर जी, एक प्रोग्राम वहां दिल्ली में हो रहा था जिसमें सारे देश के नेता आए थे कांग्रेस के, वहां पे उन्होंने भाषण किया और उन्होंने कहा स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके मुंह से निकल गया साहब। और फिर वो क्या कहते आए, उसको हम लोगों ने दिखवाया, तब मैं सरकारी सेवा में था, मैं मुख्य व्यवस्था अधिकारी था उत्तर प्रदेश निवास का, हम गए वहां ऑल इंडिया रेडियो में देखे। लेकिन राजीव गांधी जी ने उसको कितने आनंद से लिया, दूसरे दिन जब मुख्यमंत्री मिलने गए तो कहने लगे लीजिए आपने तो हमको स्वर्गीय बना दिया हंस के, और ये बेचारे शर्माए रहे। तो ये बड़प्पन होता है, हो जाती है गलती कभी कभी। आप इसको क्यों जानबूझ के कहते हैं उन्होंने जानबूझ के किया, जानबूझ के नहीं किया उन्होंने। जब वो कह रहे हैं और माफी मांग रहे हैं तो उनकी बात को मानिए, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो फिर बीजेपी को बड़प्पन दिखाना चाहिए, गलतियां करें। शाही साहब नहीं, बड़प्पन नहीं, बीजेपी भाई राष्ट्रपति बीजेपी की नहीं है, वो देश की है। और देश क्या, वो राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे उनके लिए हमने गलती कर दी, बीजेपी से क्या मतलब भाई। शाही साहब सुना आपने जी, देखिए वो मैं यही कहना चाह रहा था सिंह साहब। हाँ। मैंने 3-4 गलतियां उनकी गिनाई और सब में उन्होंने माफी मांग लिया। तो ये एक जब निर्मला सीतारमण को क्यों नहीं दिखाते, हर बार बड़प्पन दिखाते हैं, हर बार बड़प्पन हम ही दिखाए और वो बार बार कहते रहे भाई। ये देखिए सिंह साहब, ये कृष्ण और शिशुपाल का की धरती है, 99 बार गलतियां माफ है, 100वीं बार नहीं माफ है, ये जान लीजिए, 100वीं बार नहीं माफ है। और भाषाई शब्दकोश में कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये चीजें जानबूझकर की जाती हैं। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इन पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा मैं, राष्ट्रपति जी से माफी मांगूंगा। सार्वजनिक चौराहे पर मैं नितिन जी को गाली दे दूं, सिंह साहब को गाली दे दूं, सुभाष जी को गाली दे दूं, और उसके बाद मैं कहूं कि मैं यहां माफी नहीं मांगूंगा, मैं सुभाष जी घर जाके माफी मांगूंगा, कौन देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अरे भाई, सार्वजनिक मंच पर आपने गलती की, सार्वजनिक मंच पर माफी मांगते तो आपका बड़प्पन होता। हर बड़प्पन का भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद करके बैठे रहते हैं कि आप बार बार कहें कि हम स्लिप ऑफ टंग हो गया, गलत हो गया, भाषाई गड़बड़ हो गया और बड़प्पन दिखाइए भारतीय जनता पार्टी, ये गलत बात है। जो सत्ता में रहता है बड़प्पन उसी का देखा जाता है, जो विपक्ष में रहता है उसका बड़प्पन नहीं देखा जाता है। सत्ता पक्ष ही माफ करने का अधिकारी होता है, विपक्ष नहीं माफ करने का अधिकारी होता है। आप समझे कि नहीं समझे? आपने आप जो चाहो वो कर लो। अगर आपके यहाँ तो सांसद जो है महात्मा गांधी को भी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कह दें तो आप वो ठीक है, उसको आप माफ कर दोगे, और किसी की जबान फिसल जाए तो आप उसके दुश्मन हो जाओगे। ये तो इतनी बात है। ठीक है सिंह साहब, ठीक है सही तक पूरी की जब
देखिए अश्विनी शाही साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो गुजरात की जनता से कब माफी मांगेंगे कि शराब जो नकली वहाँ हुई है, 55 लोगों की डेथ हो गई, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता पर बोझ पड़ रहा है, लोग आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, लोग अपनी जान दे रहे हैं, उसके लिए देश जनता से कौन माफी मांगेगा? जो सस्ती चीजें लाने की बात कही थी, महंगाई हटाने की बात कही गई थी और महंगाई और बढ़ गई, सबसे हाईएस्ट महंगाई चल रही है, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? जनता की जो बात लगातार दबाई जा रही है, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? ईडी का जो इस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ईडी का कन्वेक्शन रेट अगर आप देखिए, ईडी का कन्वेक्शन रेट 0.5% है, अगर 100% के 100 केस हो रहे हैं तो 0.5% है, तो उसके लिए माफी कौन मांगेगा? और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह साहब के साथ 3 और राज्यसभा सांसद भी वहां से सस्पेंड हुए हैं, सुशील गुप्ता जी भी और संदीप पाठक जी भी वहां सस्पेंड हुए हैं, और वो लगातार धरने बैठे हुए पिछले कई घंटों से, और 55 घंटे धरने बैठेंगे ताकि वो इस बात को जनता के सामने रह सके कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के लोगों को इतना बड़ा धोखा दे रही है। और बात गुंडे राज की कर रहे हैं तो बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा गुंडे हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको हड़काया कई बार, सबसे ज्यादा क्रिमिनल अगर किसी पार्टी भारत में है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इनके 350 के आसपास लोगों के ऊपर महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने केसेस हैं, और 33 लोगों के बाद डायरेक्ट रेप के आरोप लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आप गूगल में डालिए, उसमें देखिए मोस्ट रेपिस्ट पार्टी का बलात्कारियों की पार्टी कौन है, आपको सामने निकल कर आएगा भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है शाही साहब, भारतीय जनता पार्टी तो जो लोग मित्र को एक बात बता दूं, बता रहा हूं, देखिए उनके चीफ सेक्रेटरी को मारने वाला गुंडा नहीं है, भी कुछ जोड़ रहे हैं उसमें, 5,422 केसेस हैं ईडी के पास, जिसमें 25 लोगों को दोषी बनाया है और अब तक 19 लोगों के खिलाफ FIR की है। अब ये सोच लीजिए कैसे केसेस हैं और क्या कर रही है सरकार। अब बोलिए जी, जी मुख्य सचिव को थप्पड़ मारने के बाद गलत नहीं, अरे पूरी बात सुन लीजिए, नितिन जी मैंने सुना इनको, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, फिर आप बोलिएगा, फिर काउंटर कीजिएगा। हाँ शाही साहब, उसके बाद अयोध्या में एक जमीन घोटाले की बात, फर्जी लगाने के बाद कितनी बार माफी मांगेंगे? जेटली जी से मानहानि पर माफी मांग चुके हैं केजरीवाल जी, ये माफी वीर हैं। गडकरी जी से माफी मांग चुके हैं, पंजाब के जो मजीठिया जी हैं उनसे माफी लिखित में मांग चुके हैं, जेटली जी ने तो माफ करने से मना कर दिया था। और ये कागज है नितिन जी, ये कागज मेरे पास है, ये पंजाब के मंत्री लोग सिसोदिया जी क्या क्या कर रहे थे, कौन सी मीटिंग कर रहे थे, जो शराब घोटाला हुआ है इसमें एक लाइन है मेरे पास लिखा हुआ, इन मीटिंग वाज होल्ड हेल्ड ऑन 30/5/22 एट द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर मनीष सिसोदिया। इसमें कौन कौन था? मनीष सिसोदिया जी थे, वरुण रंजन थे, वहां के टेक्सटाइल कमिश्नर है पंजाब के, शुक्ला ये जो है सुधा कोई है फाइनेंशियल कमिश्नर है टेक्सटाइल के, मिस्टर नरेश दुबे हैं, मिस्टर विजय नायर हैं, ये पंजाब के लोग इनके यहाँ क्या कर रहे थे शराब का, कि 30 करोड़ रुपया महीने का आम आदमी पार्टी को दिया जाएगा, ये सबूत के साथ मैं बैठा हूँ, कौन माफी मांगेगा? तीसरी चीज, आप आते हैं उस फोटो पर जो एक वीडियो संजय सिंह ने ट्वीट किया था माननीय राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति जी का और प्रधानमंत्री जी का, उस गलत वीडियो पर माफी कौन मांगेगा? उसके बाद आइए, जो दाम बढ़ाने की बात हुई थी उसको फर्जी देश में बताया गया, उस पर पहले से वैट लगा हुआ था, चाहे मिल्क प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, उस पर माफी कौन मांगेगा? देश को इन लोग गुमराह करने का काम करते हैं, सबसे भ्रष्ट सबसे गलत का इस समय आम आदमी पार्टी इस समय देश में है। ठीक है तकी भाई, जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक के बाद मुकदमे किए, आप टिल डेट आज की डेट तक सारे मुकदमे में आम आदमी पार्टी बाइज्जत भरी हुई है, लोग उसके एमएलए एमपी अभी जो इन्होंने आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर के ऊपर जैन जी के ऊपर मुकदमा किया था, उसके अंदर भी कोर्ट ने डांटा है जिसने याचिका की उसको, वकील को इस तरह के मामले न लेके आए, उनके बाद कोई सबूत नहीं मिला, सत्येन जैन को लगातार ईडी की आड़ी जमानत क्यों नहीं देती? अरे सुन लीजिए आप पूरी बात, और जमानत क्यों नहीं दी भाई? मैं पूछता ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का कन्वेक्शन रेट क्या है, कितने परसेंट केसेस में ईडी काम किया, मैं ये लोगों के गुनाह साबित करने में करती रहेगी, 0.5% कन्वेक्शन रेट ईडी का, कह दिया ईडी जांच करती रहेगी, लोगों डराने में धमका
उद्देश्य को प्राप्त करने के अंदर आपने राष्ट्रपति चुनाव में ईडी को इस्तेमाल किया। 144 करोड़ आप लोग कमाए, 30 करोड़ महीना आप लोग ले और ईडी को गलत साबित करें, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया है कि ईडी ठीक कर रही है। 0.5% कन्वेक्शन रेट है ईडी का। ईडी जो सारे कार्रवाई करती है उसमें कितने जांच एजेंसी है, आप लोगों को करोड़ों मामले सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक पड़े हुए हैं। क्या है भाई, झूठे इल्जाम लगाना, मीडिया में जला देना और भूल जाना, उसके बाद जो कन्वेक्शन उनको फ्री होता है, जब वो पैसे भरी होते हैं उसके बारे में बात नहीं करते आप। अरे जो चोरी हुई है मनीष सिसोदिया उसमें पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और मुखिया होने के नाते केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे। सत्येंद्र जैन जी को ईडी गाड़ी में लेकर टहला रहे थे, उनको 10 दिन पास में रखा और पुराना केस है, 8 साल पुराना केस है, लेकिन जैसे उनको हिमाचल का प्रभारी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी को डर लगा, डर के मारे उसने ईडी को पीछे लगा दिया। हाँ हाँ, इस देश के महात्मा गांधी तो वही है, उनका जो है वोट सब वही है। सत्येंद्र जैन जी को, सत्येंद्र जैन जी को हिमाचल में 100 लोग भी नहीं जानते हैं। और ईडी ने सवाल किया वहाँ कोर्ट के ऊपर, कोई उनको साबित नहीं हुआ, और कोर्ट ने डाटा है जैसे करते हुए फाइन लगाया है। जमानत क्यों नहीं दी भाई, बताइए ना, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, डांट तो दिया तो जमानत क्यों नहीं, अगर वो इतने ही वो पाक साफ से तो जमानत दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? कितने मुकदमे चल रहे संजय सिंह के ऊपर, मार्शल का गला पकड़ रहे थे, अरे कोई झूठा मुकदमा नहीं, आप केजरीवाल जी जाएंगे तब समझ में आएगा। हो गया प्लीज, समय भी कम है, समय भी कम है। सुभाष जी 30 सेकंड में बात पूरी की खत्म। देखिए नितिन भैया, ये जो बातें हो रही है ईडी वगैरह की हो रही है, ईडी का जो नाजायज उपयोग हो रहा है, ये देखिए केंद्र के अंदर इसके पहले भी जो सत्ता के अंदर सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो भी उसका उपयोग करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो बार बार ईडी को दोष दिया जा रहा है, विपक्ष क्यों नहीं देख रहा है, अभी बंगाल के अंदर कार्रवाई, पार्थ चटर्जी मंत्री जो है 50 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हुई, वो कहां से आई? क्या ईडी जाके वहां पर रख के आ गया था क्या? ईडी ने रखा थोड़ी, ईडी ने जांच की, जांच के अंदर 50 करोड़ रुपए बरामद हुए, और भी उनके जो करीबी जो भी सगे संबंधी मंत्री के उनके घरों पे भी जांच चल रही है, वहां से भी देखिए नकदी बरामद होगी। तो बार बार ईडी को दोष देना कहां तक सही है? ओमकार जी, ओमकार जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से पूरा कीजिए। मैं सुभाष जी को एक साउंड कर दूं, ईडी पर इसलिए किया जा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा में ये केसेस बन रहे हैं। मैं बंगाल के मंत्री के कोई वो पैरवी नहीं कर रहा हूँ, जो अगर गलत है तो गलत है, लेकिन गलत पे सबका होना चाहिए। आपको याद होगा नोटबंदी के समय में अहमदाबाद में 5 दिन के अंदर 750 करोड़ रुपया जमा हुआ था, और इनकी 4 दिन तक जांच की गई तब 50 करोड़ निकला है, कहने लगा कि थक गए तब जाके पूरा हो पाया। तो भाई साहब उसमें सरकार नहीं देखी थी, एजी सो रही है, आज तक उसने उस पर केस नहीं किया, उसको नहीं देखा। ओंकारनाथ जी बिल्कुल, चलिए मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ओंकारनाथ जी मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ, जिस प्रकार आप गुजरात का जिक्र कर रहे हैं नोटबंदी के समय का, तो कांग्रेस सोई क्यों रही है जब इसके अंदर अभी सोनिया गांधी जी से ईडी पूछताछ कर रही, सुन तो लीजिए ईडी जब पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी जी से, तो पूरा कांग्रेस पूरे देश भर का सड़कों पे उतर आ रहा है, उग्र प्रदर्शन कर रहा है, तो उस समय देश हित के अंदर आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया, तब आप चुप बैठे रहते? किया जनता ने देखा, उस समय आप प्रदर्शन नहीं करते हैं और यहाँ आप जिक्र कर देते हैं कि वहाँ गलत हुआ, जब गलत होता तब भी उठिए, इसको इनको देखना चाहिए ना, ईडी का जहाँ तक सवाल है उसको देखना चाहिए। और सवाल इस बात का है कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ हमेशा कांग्रेस आगे आती है। ठीक है, 10 सेकंड, आम आदमी पार्टी जल्दी। देखिए बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष के जो जो उम्मीदवार थे चिन्मय सिन्हा जी, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि राष्ट्रपति चुनाव तक में भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का और गलत तरीके से इस्तेमाल किया है ताकि वो अपने फेवर में चुनाव कर सके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो विपक्ष का है यशवंत सिन्हा, उसने इल्जाम लगाया। ठीक शाही साहब, 10 सेकंड, ईडी पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, आप लोग की गतिविधियों पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए ईडी पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि सारे जितने विपक्ष के जितने लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ईडी उनके घर तक जा रही है, सबूत मिलेगा तो सब जेल जाएंगे। क्यों कह रहे हैं कि आप जानबूझकर भेजते हैं? अरे हम क्यों जान, संस्थाओं को ये लोग काम नहीं करने देते हैं, और आम आदमी पार्टी वाले तो नया जो कहते हैं ना, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, तो वही स्थिति इनकी हो गई है, ये लोग पकड़े जाएंगे, सब धरे जाएंगे, संस्थाओं को चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का दोष देते हैं। ठीक है धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, क्योंकि लगातार पहले विपक्ष जिस तरह से सवाल पूछ रहा था उसके ऊपर 70 से ज्यादा सांसदों का जो सस्पेंशन हुआ, और उसके बाद आज कांग्रेस के सांसद की तरफ से जो बयान आया, उसके बाद जो बवाल हुआ है, लगातार अब देखने को ये मिलेगा कि कल भी कहीं ना कहीं संसद की कार्रवाई इसी के बीच गुजरेगी। फिलहाल आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।